हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको कुछ हेल्थ टिप्स दूंगी। आप देख सकती हैं ये कुछ नीम की पत्तियां हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ बातें करें। आजकल की बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं, तो क्यों ना हम इन्हें कुछ हद तक कम करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कुछ नीम की पत्तियाँ हैं और ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। तो चलिए अब हम इससे आज नहाने का पानी बनाते हैं। इससे काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो सकती है। जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है, तो काफ़ी कभी गर्मी कभी सर्दी, तो गर्मियों में हमें काफ़ी स्किन की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे बॉडी में काफ़ी पसीने होने के कारण हमारी स्किन में काफ़ी जम्स हो जाते हैं, तो उनसे फोड़े फुंसियाँ होने लगते हैं। तो आज हम इससे नहाने का पानी बनाएंगे ताकि हमारे फोड़े फुंसियों को कुछ हद तक कम कर सके और होने से उन्हें रोक सके। तो चलिए हम आज नीम की पानी बनाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने नीम की पत्तियों को अच्छे से धो लें, उसके बाद इन्हें डंडी से अलग कर लें। आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन लिया है और अपनी पत्तियों को डंडी से अलग करके उसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। एक से डेढ़ गिलास पानी ऐड करूंगी। चलिए अब बनाने चलते हैं। सबसे पहले अपने गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर अपने पत्तियों को बॉयल होने के लिए रखेंगे। अब देख सकते हैं हमारी नीम की पत्तियां बॉयल होने लगी हैं, तो इन्हें हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लेंगे ताकि जितने भी नीम की पत्तियों के अंदर गुण हैं सारे पानी के अंदर आ जाएं। उसके बाद इन्हें बॉयल करने के बाद इन्हें ठंडा करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉयल हो चुका है और ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप अपने नहाने के पानी में डालें, या आप इसे कोई छोटी शीशी में भर के और अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इसे एक टोनर की तरह भी अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों, तो आप अपने दिनचर्या में इसे ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।